बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने अपने ऊपर जानलेवा हमले की आशंका जताई है। पटना के बेऊर जेल में बंद विधायक की पत्नी शनिवार को राज्यपाल फागू चौहान से मिलने पहुंची। इस दौरान नीलम देवी ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों से बात करते हुए नीलम देवी ने कहा कि मैंने अनंत सिंह मामले में न्याय संगत कार्यवाही की गुहार लगाई है। इस तरह से हमको राज्य सरकार फंसा रही है, माननीय विधायक जी को फंसा कर अंदर कर दी जेल में। ये चुनाव लड़ने का ही खामियाजा हमको हम भुगत रहे हैं, और वो बहुत गौर से हमारी बात सुने और उनकी बात से हमको मैंने संतुष्टि मिला कि जरूर वो हमारे साथ इंसाफ करें। तो क्या लग रहा है मैम, आपको मिलेगा मदद उनसे? एकदम मिलेंगे। आपने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, क्या पूरे मामले में आप राहुल गांधी सोनिया गांधी से जाकर गुहार लगाएंगे, मिलेंगी उनसे, समय मांगे? हम सब जगह जाएंगे, सब जगह राज्यपाल महामहिम से भी मिले और उनसे हम संतुष्ट। मोबाइल नीचे वो हमारे गार्जियन है, वो जरूर इंसाफ। दिल्ली भी जाएंगे क्या मिलने की? जी, लोगों से जाएंगे। उन्होंने इस केस में बिहार सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि सांसद ललन सिंह और नीतीश सरकार के मंत्री नीरज सिंह मेरे पति अनंत सिंह को फंसाने का काम कर रहे हैं। नीलम ने कहा कि मैं अपने पति अनंत सिंह को न्याय दिलवाने दिल्ली तक जाऊंगी। नीलम ने कहा कि इस मामले में मैं दिल्ली जाकर अपनी बात रखूंगी। नीलम ने दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से भी मिलने की बात कही। बाढ़ की एएसपी लिपि सिंह पर नाराजगी जाहिर करते हुए नीलम देवी ने कहा कि लिपि सिंह ने घर का सारा सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया, उन्होंने मेरे घर के नौकरों को भी आतंकवादी की तरह मारा। नीलम ने कहा कि हमारे सभी सुरक्षा गार्ड छीन लिए गए हैं, ऐसे में हम पर कभी भी हमला हो सकता है। मालूम हो कि AK-47 केस में अनंत सिंह के फिलहाल पटना के बेऊर जेल में बंद हैं। पुलिस ने हाल ही में उनके समर्थन बड्डू सिंह को अंगरक्षक मुहैया कराने हैं, जो इन दिनों अनंत सिंह की तरफ से मीडिया में अपनी बात रख रहे हैं।